हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीटकोड कॉन्टेस्ट 3 to 5 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम भी आपकी मीडियम कैटेगरी की है और टाइटल है मैक्सिमम टेस्टीनेस ऑफ ए कैंडी बास्केट। इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है जिसको ये कह रहे हैं कि प्राइस आई डिनोट करता है प्राइस ऑफ आईथ कैंडी, और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है जो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। नाउ आपको करना क्या है, इस एरे में से कोई भी के साइज़ का सबसेट चुनना है। के हमारा 3 है, तो जैसे हम 13, 5, 1 ये आपका एक सबसेट हो गया, 5, 1, 8 ये एक सबसेट हो गया, 13, 21, 2 ये एक सबसेट हो गया। इस तरह से आप के साइज का कोई भी एक सबसेट ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके हर एक एलिमेंट का डिफरेंस देखना है। जैसे मान लो हम एग्जांपल में दिया है कि एक सबसेट लिया हमने 13, 5 और 21, इसके एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, 13 और 5 का डिफरेंस, 13 और 21 का डिफरेंस, 5 और 21 का डिफरेंस। हर एक एलिमेंट का आपस में डिफरेंस देखना है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और जो भी मिनिमम आएगी वो आपकी क्या होगी, टेस्टीनेस। बेसिकली वो आपकी क्या होगी, टेस्टीनेस ऑफ कैंडी बास्केट। यानी कि जो भी आपने सबसेट चुना के साइज का, उसकी टेस्टीनेस को ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि आप उन सब एलिमेंट्स का डिफरेंस लो, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, और उनका जो भी मिनिमम आएगा वो आपकी टेस्टीनेस होगी, और आपको उस टेस्टीनेस को मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली ये जो आई थी हमारी 8, ये तो एक सबसेट की आई थी। इसी तरह से आप कोई और सबसेट भी चुन सकते थे, हो सकता था उसमें जो मिनिमम डिफरेंस आता वो सबसे ज़्यादा आता, तो आपको उस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। आपको अपना सबसेट इस तरह से चुनना है कि आपकी टेस्टीनेस मैक्सिमम आए। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, ये हमारी क्लासिकल बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि जो हमें दिया है हम उसी पे फॉलो करें। जैसे हमें क्या दिया है कि के साइज का सबसेट चुनो, उनमें एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालो, उनका मिनिमम लो, और इस तरह से सारे सबसेट को देखो, और उसमें जो भी मैक्सिमम आए वो आप रिटर्न कर दो। एन मेरा एरे का साइज़ है, उसमें से के साइज़ के सबसेट चुनने हैं तो कितने होंगे, एन सी के होंगे। और हर एक सबसेट में एलिमेंट्स का डिफरेंस लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, के स्क्वेयर लगेगा। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब सोच क्या आएगी, एन सी के इंटू में के स्क्वेयर, तो ये मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का दूसरा तरीका क्या होता है, आपका बाइनरी सर्च। इसमें प्रॉब्लम को हम इस तरह से ना देख के हम क्या देखते हैं कि हमारी टेस्टीनेस की रेंज क्या हो सकती है। मिनिमम टेस्टीनेस आपकी कितनी आएगी, 0। जब आपके सारे एलिमेंट सेम हो तब आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। मैक्सिमम कितनी आ सकती है, जो भी आपके एरे का मैक्सिमम एलिमेंट हो और मिनिमम एलिमेंट हो उनका डिफरेंस। जैसे यहाँ पर हमारे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट कितना था, 21, मिनिमम कितना था, 1, तो मैक्सिमम टेस्टीनेस कितनी आ सकती थी, 20। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी टेस्टीनेस इससे इसकी रेंज में डिसाइड करेगी, और बाइनरी सर्च की हेल्प से हम ऑप्टिमल टेस्टीनेस को फाइंड आउट करते हैं जो कि हम गिवन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स में अचीव कर सकते हैं। तो हमारी बाइनरी सर्च की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 20। फिर हम मिड फाइंड आउट करते हैं, 0 + 20/10, कि मैं 10 टेस्टीनेस के साथ ट्राई करता हूँ कि मैं टेस्टीनेस 10 अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं चेक करूँगा 10 से 20 के बीच में, क्या मैं 10 से ज़्यादा कोई टेस्टनेस अचीव कर सकता हूँ, बेसिकली 15 के लिए ट्राई करूँगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं ये अचीव नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 10 या 10 से ज़्यादा तो कोई अचीव कर ही नहीं सकता, मुझे लोअर साइड पे देखना पड़ेगा। मैं 0 और 10 के बीच में टेस्टनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, मैं 5 ट्राई करूँगा एंड अकॉर्डिंगली मैं प्रोसीड करूँगा। तो मेरा बाइनरी सर्च किस पे लगेगा, मिनिमम टेस्टनेस जो पॉसिबल है और जो मैक्सिमम टेस्टनेस जो पॉसिबल है। जब भी हम बाइनरी सर्च लगाते हैं हम किस पर लगाते हैं, हमारे सॉर्टेड एरे पर। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, सॉर्ट करो एरे को, टेस्टनेस की रेंज पर बाइनरी सर्च लगाओ, और फिर देखो कि वो टेस्टनेस पॉसिबल है या नहीं है। तो इसी चीज़ को हम एक बार कोड की हेल्प से देखते हैं। कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे एरे का साइज एन वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और हमने आंसर को मिनिमम टेस्टनेस हमारी कितनी हो सकती थी, 0, हमने आंसर में 0 स्टोर कर लिया है। अब हम इस आंसर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मैक्सिमम टेस्टनेस हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमारी लो रेंज क्या थी टेस्टनेस की, 0। मैक्सिमम रेंज क्या थी, जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट था। अब क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है तो लास्ट एलिमेंट मेरा मैक्सिमम होगा और 0th एलिमेंट मेरा मिनिमम होगा, हमने इनका डिफरेंस ले लिया कि मैक्सिमम हम इतना अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस पर बाइनरी सर्च लगाई है। बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, व्हाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक क्या करो, मिड फाइंड आउट करो, और मिड के साथ देखो एक फंक्शन लिखेंगे हम इज़ पॉसिबल, कि मिड जो भी मेरा मिड है वो टेस्टनेस अचीव करना पॉसिबल है या नहीं है, जो हमारा गिवन एरे है प्राइस
और जो हमारा गिवन सबसेट का साइज है के, उसके साथ पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा मिड, कि इतना तो पॉसिबल है। और के लिए देखो, और के लिए क्या देखना था, जैसे हमारा 10 पॉसिबल है तो हमें क्या देखना था, 10 से 20 की रेंज में देखना था। तो हम लोग को कहाँ ले जाएंगे, हाइयर रेंज की तरफ, मिड प्लस 1 की तरफ। लेकिन अगर हमारा पॉसिबल नहीं है तो हमें कहाँ देखना था, 0 से 10 की तरफ, यानी कि हमें हाई को लोअर रेंज की तरफ लेके जाना था, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। तो ये तो हो गया हमारा बाइनरी सर्च। अभी हमें देखना है कि ये इज पॉसिबल, कि हमारी टेस्टनेस अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कैसे चेक करेंगे। तो इस फंक्शन को देख लेते हैं। इस पॉसिबल फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, एन हमारे एरे का साइज स्टोर कराया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को हम हमेशा ही अपने आंसर में कंसिडर कर रहे हैं, कि फर्स्ट एलिमेंट तो हमें लेना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा एरे क्या है, सोर्टेड है। सोर्टेड है तो हमें क्या देखना है, कि हमारा के सबसेट फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस टेस्टीनेस के साथ हम के एलिमेंट्स टेक कर सकते हैं एरे को या नहीं कर सकते। तो अगर हम सबसे मिनिमम एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा चांस रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेने का। इसलिए हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो रहेगा ही। इसलिए हमने क्या किया, प्रीवियस के अंदर जीरोथ एलिमेंट का प्राइस स्टोर कर लिया और काउंट को 1 कर दिया, कि अब हम एक एलिमेंट ले चुके हैं। फिर हमने लूप चलाया एरे के बाकी एलिमेंट्स के लिए, 1 to n के लिए। अब हमने देखा कि जो हमारा करंट एलिमेंट है और जो हमने लास्ट एलिमेंट चुना था, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उसका डिफरेंस अगर मिन डिफ जितनी मेरी टेस्टनेस रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, यानी कि इस एलिमेंट को मैं पिकअप कर सकता हूँ, इसको लूँगा तो मेरी टेस्टनेस इफेक्ट नहीं होगी, तो मैं इसको पिक कर लूँगा काउंट प्लस प्लस, कि अब मेरा एलिमेंट 1 एक्स्ट्रा पिक हो गया। और प्रीवियस को मैं अपडेट किससे कर दूंगा, मेरे प्राइस ऑफ i जो कि करंट प्राइस है। ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एरे सोर्टेड है। सोर्टेड है तो यानी कि मैं प्रीवियस से ही कंपेयर करूँ, केवल जो मैं प्राइस i इसको स्टोर कर लूँ, नेक्स्ट एलिमेंट को इसी से कंपेयर करूँगा तो ही इनफ है। अगर मैं एरे को सोर्ट ना करता तो मुझे यहाँ पर पूरा लूप लगाना पड़ता, हर एक एलिमेंट स्टार्टिंग से लेके अब तक के एलिमेंट सबके साथ कंपेयर करके देखना पड़ता। लेकिन क्योंकि मेरा एरे सोर्टेड है तो केवल एक वेरिएबल प्रीवियस में जो मैंने लास्ट एलिमेंट पिक किया है उसको स्टोर कर लूँगा, तो यहाँ पर केवल उससे डिफरेंस लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और लास्ट में क्या होगा, जब मेरा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, अगर मेरा ये काउंट के से बड़ा है, मेरे को सबसेट कितना चाहिए था, के का चाहिए था, के मान लो 3 है तो 3 ही साइज का चाहिए था। तो अगर मैं उससे ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इस टेस्टीनेस के हिसाब से, तो मतलब कि ये टेस्टनेस अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल है। तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1। अगर के एलिमेंट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये टेस्टिनेस मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो मैं उस केस में रिटर्न कर दूंगा 0। तो इस तरह से बाइनरी सर्च लगा के हम क्या करेंगे, मिनिमम टेस्टनेस जो पॉसिबल है, मैक्सिमम टेस्टनेस जो पॉसिबल है, उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे और हमारी ऑप्टिमल टेस्टनेस फाइंड आउट करके रिटर्न कर देंगे। थैंक यू गाइज़।